डियर स्टूडेंट, आज हम के पी के क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को आप किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सेम वही मेथड है जिस तरह हमने बेस 2 यानी बाइनरी सिस्टम को बेस 10 में कन्वर्ट किया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये किस बेस में है, बेस 5 में है। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10 में। तो इधर आप लिख लें 2, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें, 5, फिर प्लस लिख लें, फिर क्या है 4 है, 4 लिख लें, 1 से क्या मल्टीप्लाई करें, 5, फिर प्लस लिख लें, फिर क्या है 2 है तो आप 2 लिख लें, और साथ में 5 मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लिख लें, फिर क्या है 4 है और एक साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 5, फिर क्या है प्लस लिख लें, 1 है और साथ में इसका क्या मल्टीप्लाई करें, 5, और अब सारे 5 है, बेस 5 है। तो अब बेस 5 पे क्या लेंगे, पावर राइट हैंड साइड से लिख ले। सबसे पहला डिजिट क्या है, 0 है तो पावर 0 लिखेंगे, फिर इधर पावर 1 लिखेंगे, इधर पावर 2 लिखेंगे, इधर पावर 3 लिखेंगे और इधर पावर क्या लिखेंगे, 4। अब इसको हम क्या कर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 के पावर 4 का मतलब ये है कि 5 के पावर 4 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 5 इज़ 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 5 इज़ 25, 2, 5 2 इज़ 10 और 10 प्लस 2 12, 1, 5 5 इज़ 5, 6। तो 5 के पावर 4 का मतलब यह है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। तो इधर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 625। फिर हम लिखेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 125, यानी 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। तो इधर हम लिखेंगे 125, फिर प्लस लिखेंगे 2 और साथ में 5 के पावर 2 का मतलब है 25, तो इधर 25 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, फिर 1 और इन्हीं किसी भी ग्रेटर नंबर हो या समान नंबर का पावर 0 हो वो 1 आता है, तो इधर हम लिखेंगे 1। अब इसको हम मज़ीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़र 10, 1 आता है, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5, 2 6 ज़र 12, फिर प्लस लिखेंगे, 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़र 22 आ गया, 4 2 ज़र 8, 8 प्लस 2 10, 1 आ गया, 4 1 ज़र 1, 4 1 ज़र 4, 1 8 करो 5, फिर प्लस लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 आता है, फिर 20 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। अब इसको हम मज़ीद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे 20 प्लस 1 21, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 5 0, फिर 5 100, फिर 50 और फिर 20, 20 प्लस 1 21 आता है, तो इधर हम लिख देते हैं 21। इसको 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 1 आता है, और 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 2 12, तो 1 आता है। अब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 और 1, तो मतलब इसे क्या आता है, 1821। और ये क्या है, इसका कोई भी बेस नहीं है, तो इसका बेस क्या है, 10 है, तो इसको हमने बेस 10 में
आसानी से कन्वर्ट किया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर में पार्ट थ्री क्या है, कन्वर्ट द फोल्डिंग इनटू डेसिमल सिस्टम। ये बेस फाइव सिस्टम में है या सिस्टम में बेस फाइव, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बेस टेन में यानी डेसिमल सिस्टम में। तो इसका मेथड क्या है, ये फाइव है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे, फिर फाइव इसको फोर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखेंगे, फिर इस फाइव को थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखेंगे, फिर फाइव को इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे, फिर फाइव को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह सारों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इधर अगर हम लिख लें सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, यह क्या है फोर है, तो आप इधर लेके फोर क्या मल्टीप्लाई करें फाइव, फिर प्लस लेके फोर है, फोर है फिर फाइव मल्टीप्लाई करें फिर प्लस लिख ले, फिर थ्री है मल्टीप्लाई करें इसके साथ क्या फाइव, फिर क्या है प्लस लेके, फिर क्या है थ्री है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें फाइव, फिर क्या है प्लस लेके और क्या है फोर है इसके साथ फाइव मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लेके इसके बाद क्या है वन है और साथ में फाइव मल्टीप्लाई करें। इस तरह आप सारों में इस तरह करेंगे, अगर इधर बेस टू था तो बेस टू मल्टीप्लाई करते, अगर इधर बेस एट था तो बेस एट मल्टीप्लाई करते। अब राइट हैंड साइड से शुरू करें, सबसे पहले डिजिट जीरो है जीरो लेके, फिर वन लिख ले, फिर टू लिख ले, जहाँ भी बेस फाइव देखते हो उधर आप पावर क्या करें लिख ले, इस पर ये फोर आ जाएगा और ये फाइव आ जाएगा। अब फाइव को क्या करें, फाइव टाइम मल्टीप्लाई करें, तो जब फाइव को हमने फोर टाइम मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या था 625 आ गया था, लेकिन इस साथ एक और भी फाइव हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक साथ एक और भी फाइव हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे 625 के साथ, तो 625 के साथ आप एक और फाइव मल्टीप्लाई करो, फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव 25 टू 5 2s are 10, 10 plus 2 12, 1, 5 6s are 30, 30 plus 1, 31, क्या आता है 325। तो इधर हम लिखते हैं कि 4 multiply by, इसको बस ज़रूरत अब नहीं है, तो इसको हम इधर लिखेंगे 4 multiply by 3125, फिर प्लस लिखेंगे। अब यह है फोर, हमने फाइव को फोर टाइम जब मल्टीप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में भी यानी पार्ट टू में, तो क्या था 625 आ गया था 625, फिर प्लस थ्री, फाइव को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, फिर थ्री, फिर फाइव को टू टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 25, फिर फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव 20, फिर वन मल्टीप्लाई बाई एनी थिंग पावर एनी नंबर पावर 0 = 1। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, इसको जब हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करें 3125 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5s are 20, 2, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 1, 4 1s are 4, 1 8 करो 5, 4 3s are 12, तो 12,500, तो इसे क्या आता है 12,500 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, इसे क्या आता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5s are 22, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 1, 4 6s are 24, 1 8 = 25, तो इसे आता है 2500, इधर लिखेंगे 2500, इसे क्या आता है यानी 1 2 5 8 करो मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 5s are 15, 1 3 2s are 16, 1 7, 3 1s are 3, यानी 3, इसे क्या आता है 375। इसको मल्टीप्लाई करूं तो 75 आता है, 3 5
3, 5, 15, 1, 3, 2, 6, 1, 8, 7, तो 75। फिर क्या आता है 20, और फिर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1। अब इसको हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि हम इधर लिख लें, 1, 2, 5, 00, फिर अगर इसको इधर इधर ये लिखेंगे, फिर 0, 0, 5, 2, ये आ जाएगा 21। ये 21 के साथ 75 ऐड करूँ, 5 plus 1, 6, 7 plus 2, 8, 86। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 86, और ये क्या है, 86। अब इसको अगर हम मज़ीद 86 और 375 प्लस 86 को ऐड करते हैं, क्योंकि इधर जगह कम है, तो इधर हम ऐड करेंगे, फिर इसके बाद ये जो इससे आंसर आएगा इसमें ऐड करेंगे तो सारा आंसर आएगा, 5 plus 6 11, 1, 7 plus 8 15, 15 plus 1 16, 1, 3 plus 1 4, 461। तो इन सारों से क्या आ गया, यहाँ तक जो नंबर थे 461। या आप सारों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या था, हमारे पास प्लेस कम था इस वजह से। अब इसको क्या करो, ऐड करो, तो 0 plus 0 plus 1, 1, 0 plus 0 plus 6, 6, 5 plus 5, 10, 10 plus 4, 14, 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, और 1। तो 15,461, मतलब इस नंबर को हमने चेंज किया किस सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में, तो इससे क्या नंबर आ गया, 15,461। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू ऑक्टल सिस्टम। सो किस सिस्टम में चेंज करो, ऑक्टल सिस्टम में चेंज करो। ऑक्टल सिस्टम का मतलब क्या है, बेस 8। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 42 को हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे 9, 98,712। इधर लिखेंगे 9, अब इसको हम किस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल सिस्टम में, और ऑक्टल सिस्टम का मतलब है बेस 8। तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे। अगर हम कहते कि बेस 5 को चेंज करो तो 5 पे, अगर कहते कि बाइनरी को चेंज करो तो 2 पे डिवाइड करते। तो इधर क्या कहते हैं कि ऑक्टल सिस्टम को चेंज करो, बेस 8 सिस्टम को चेंज करो। तो इस तरह हम इस किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 1 16, 2 चला गया, 8 3 16, 24, 24, 24, तो 6 1 7 चला गया, और 8 9 72। तो इधर क्या आ गया, 0। फिर इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 4 चला गया, 8 5 4 3 चला गया, 8 5 4 3 चला गया, 8 4 32 1 चला गया, 8 2 16, 3 चला गया, एंड द रिमाइंडर 3 है। फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 7 चला गया, 8 9 72, तो 2 चला गया, 8 2 16, तो 16, 6 चला गया। फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 16, तो 3, 8 4 32, 0 रिमाइंडर। फिर 8 पे डिवाइड करें, 8 3 24, फिर 0। तो ये सारे क्या है, मतलब 3 अब 8 लेस हैं, तो बस हम स्टॉप करेंगे। तो इधर लिखेंगे, मतलब यह है कि बॉटम से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे सारे रिमाइंडर। इधर होगा 3 0 0 6 3 0, किस पे डिवाइड किया, 8। तो इधर बेस क्या होगा, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। मतलब यह है कि 98,712 जो हैं
वो बेस 8 में इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट 4 सॉल्व करते हैं। किस तरह है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल सिस्टम, इसको कन्वर्ट करो किस सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम विद बेस 8। तो ये नंबर है हमारे पास डेसिमल सिस्टम है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम है। तो यही नंबर हम लिखेंगे 997874। किस पे डिवाइड करेंगे, किस सिस्टम को चेंज करते हैं, ऑक्टल सिस्टम यानी मतलब सिस्टम विद बेस 8, तो 8 पे डिवाइड करेंगे। अगर कहते कि बाइनरी को चेंज करते तो 2 पे डिवाइड करते, अगर कहते कि सिस्टम विद बेस 5 को चेंज करो तो फिर हम 5 पे डिवाइड कर दें। अब हम इसको किस सिस्टम में चेंज करते हैं, ऑक्टल सिस्टम में, सिस्टम विद बेस 8 में, तो इस वजह इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 1 0 8, 1 चले गया 19, 8 2 0 16 16 17 18, 3 इधर चला जाएगा, फिर 8 4 0 32, 8 4 0 32, तो इधर क्या चलेगा 58 आ जाएगा, फिर 8 7 0 56, तो इधर 2 चला जाएगा, फिर 8 3 0 24, 24 से क्या आ जाएगा 3, फिर इधर हम लिखेंगे 8 4 0 32, तो इधर रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह फिर हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 8, क्योंकि हम बेस 8 को चेंज करना चाहते हैं। 8 1 0 8, 4 इधर चला गया 44 आ जाएगा, 8 5 0 40, फिर 4, फिर 8 5 0 40, 8 5 0 40, 40 से इधर क्या चलेगा 7, तो 73, 8 9 0 72, 1 चला गया, और 8 1 0 8, तो क्या चला गया 6। फिर हम 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 0 8, 7 चला गया, 8 9 0 72, 72, 3 इधर चला गया 39, 8 4 0 32, तो 6 चला गया, और 8 7 0 56, 56, तो क्या चला गया 56, तो 5। 8 1 0 8 7 चल गया, 8 9 0 72, 32, 32 से 9 है, 32 से क्या है 38, 8 7 0 8 4 0 32, 32, तो 9 है, तो फिर 7 इधर चला गया, इधर क्या आ जाएगा 7, तो फिर इधर क्या होगा 8 8 0 60, 8 8 0 64, 64, तो 6 over 1 7 इधर चला गया, इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8 8 0 64, 64 से 6 over 1, मतलब है कि 64 के साथ अगर आप 6 ऐड करें तो 70 आता है, लेकिन ये तो 71 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 0 16, 3 34 है, तो 8 4 0 32, फिर 2, और फिर 8 3 0 24, फिर क्या आ जाएगा 4। फिर 2 पे डिवाइड करो, सॉरी 8 पे, 8 3 0 8 3 0 24, 8 3 0 8 3 0 24, 3 8 से लेस हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, हम लिखेंगे 0, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब इस तरह 2 4 3 हैं, तो अगर इस 3 को 243 को हम 8 पे डिवाइड करें, 8 3 0 24, तो सबट्रैक्शन करेंगे 0 0, जब डिवाइड हम कोई नंबर लाए रिमाइंडर को और वो लेस होता है तो ऊपर हम क्या लेते हैं 0 लेता है, तो रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। फिर 8 को डिवाइड करेंगे किस पे, 30 को किस पे डिवाइड करेंगे 8 पर, तो 8 3 0 24, 8 3 0 24, तो 8 3 0 24,
8 3 24 क्या आता है 6। तो बस इधर तक हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर तक। तो क्या लिखेंगे 3 6 3 4 7 6 2, और किस पे हमने डिवाइड किया है 8 पे। तो इधर हम क्या लिखेंगे बेस 8 या सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे 8। तो इस नंबर को हमने किस बेस में कन्वर्ट किया, बेस 8 में, यानी ऑक्टल सिस्टम में।